भाई जन्नत है तो मनाली में ही है भाई, मनाली नहीं देहरादून है भाई। हाँ देहरादून में भी है। उस साइड टीरी बढ़ता है गाइस भाई, कुछ भी हो देहरादून डिफेंस अकेडमी को अपना एडवर्टाइजमेंट करना ही होता है। गाइस हम ऐसा लग रहा है हम किसी फिल्म के सेट पे आ गए हैं। नेचर फ्लेवर्स भाई, पर मैप्स में तो अच्छी फोटो दिखा रहे थे, ऐसी फोटो तो नहीं थी। अब हमें शायद यहाँ पे नीचे जाना है। चलते हैं गाइस नीचे। DJ नाइट स्विंग सेरेमनी प्री वेडिंग शूट एंड कैंपिंग एंड बॉन फायर। देखते हैं गाइस नीचे कितना नीचे है, तभी जाएंगे भाई। ये हम वेलकम करने के लिए खड़ी है हमारी को। भाई जाना, कैन वी कम? जा भाई पैदल जा पहले। हेलो भोलू, कैसा है भोलू? अरे लगता है भोलू को बात नहीं करनी। भोलू गाइस हमारे ब्लॉगर कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए हैं, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इसी तो गाइस पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम देहरादून आ रखे थे और आज है 30 तारीख, अभी हम आ रखे हैं रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट का नाम है नेचर फ्लेवर। यहाँ पे डाइनिंग एरिया है इनका। फिलहाल तो बादल नहीं, बादल ही दिख रहे हैं, पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। ये सारे रूम्स हैं, टेंट है, मतलब कि एक टाइप के हमारे लोअर बेल्ट के ही होंगे वो वाले, दिखाएंगे आपको बाद में जब जाएंगे। फिलहाल सूरज को फोटो शूट करना है तो इसका फोटो शूट करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सूरज जहाँ जाता है उसका साथी उससे मिलना आ जाता है गाइस। कितना हेल्दी है। डेजी डेजी डेजी, ये हमारा रिजॉर्ट गाइस, यहाँ हम स्टे करेंगे आज रात के लिए। दिस इज द रूम गाइस। भाई तू उतार क्या भाई, नहीं यार वो गंदा हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे है गाइस रूम, फैन है, एक स्टूल है, यहाँ पे सॉकेट है, ये दो बेड हैं, वहाँ पे भी सॉकेट है बैठ के, वहाँ पे दो चेयर है, एक टेबल आपको मिल जाएगी, ऊपर दो लाइट लगी हुई है, इधर वॉशरूम है, वॉशरूम में भी लाइट है गाइस, वॉशरूम में भी लाइट है, ठीक है। शीशा नहीं है गाइस वॉशरूम में, वो बाहर लगा हुआ है। खिड़की खोलनी है गाइस, ये बाहर से ही खुलेगी शायद, पहले इसे खोल लेते हैं अंदर से, ऐसे से खोल लेंगे, फोल्ड कर देंगे। एक मिनट गाइस मैं फोल्ड करके मिलता हूँ आपसे। फोल्ड तो कर दिया, अब इसे बाहर से खोल के आते हैं गाइस। मोजे उतार देता हूँ मैं, सूख जाएंगे तब तक। इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। नाश्ता आ चुका है गाइस, सैंडविच है, काफ़ी है, सूरज है, स्विमिंग पूल है, पहाड़ है, बादल है, खा रहे हैं वो। वन लॉन्ग एंग्री लाइन लेटर। गाइस इसको नीचे टक्कर आकर लाते हैं। इट्स 2v2 टीम है, सूरज एंड हर्षपाल, टीम बी दीपक और मैं। ऐसे नहीं खेलते रहते, क्या खेलते देखो जिसके पास बॉल आएगा वो दूसरे को मारेगा, ठीक है। चार वाले खेलते हैं, बाहर चली जाएगी। अबे कपड़ा लाओ ना फिर। नहीं बे कपड़े नहीं यार,
क्या कह रहे थे तू तो था कि बॉल को मारना है लगेगी ऐसे देख मैं फेंकता हूँ ला मैं सर्विस दे रहा हूँ ओए आजो कंपटीशन लगाते हैं जो यहाँ से पहले वो टच करेगा ठीक है हम दोनों ही खेलते हैं जाओ बीच में से जाओ कंपटीशन लगाएं वो जो हारेगा वो डिनर वही कराएगा नहीं पता चल रही मैं बिन तेरा बहुत टाइम करूँगा ट्राई कर ले रिपू हाँ भाई गाइस सूरज एडवेंचर करने के मूड में आज यहाँ पे जो सीढ़ी थी वो वहाँ पे फेंकी हुई है तो सूरज सोच रहा है कि यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आएगा सूरज तो दिखाता हूँ आपको नीचे से ये रहा गाइस सूरज फर्स्ट स्टेप नीचे डरावना होता है बाकी तो सब सही है वापस कैसे आऊंगा अब एक पोल पकड़ और सीधे सीधे नीचे नहीं नहीं उस पे नहीं पोल पे भाई भाई व्यू आ रहे हैं यहाँ से व्यू ठीक है भाई अब आ जा पोल पकड़ के नीचे भाई नहीं आ सकता अबे यार कैसी बात कर रहे तू ये ऐसे ऐसे घूम और पोल पकड़ और नीचे आज चुपचाप उस वाले में जाना है यार मुझे पर उसमें लकड़ी है मेरी शर्ट गंदी करवाएगा तू कपड़े और कुछ नहीं खाते रहोगे खिलाड़ी आओ गाइस सूरज से पूछे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर तो सूरज बताइए आपको कैसा लगा इस पे चढ़ के सूरज गाइस यहाँ पक्का आना पहला स्टेप बहुत डरावना था क्योंकि रस्सी बहुत ज़्यादा हिल रही थी बट उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो इतना डरावना नहीं है उसका तो आदत सी पड़ जाती है उसके बाद आपको ये जो पांच सीढ़ी पड़ी उसकी ज़रूरत नहीं है आप सीधे पोल से लटक के भी आ सकते हैं नीचे जैसे कि आपने देखा सूरज को आते हुए तो सूरज ने ये बाधा तो पार कर दी अरे ये वाली रस्सी ध्यान से देखो टूटी हुई है तो आप सूरज वहाँ चढ़ के बताएंगे आपको डंडे वाले पे चलिए सूरज आइए हार्ड वाला करेंगे और हार्ड वाला तो क्या ही है इसमें डंडी है ना तो पहला जो डंडी है वो टूटी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको ये देखो ये वाला टूटा हुआ है तो आगे देखते हैं क्या होता है वहाँ तक जाना है फिर वहाँ से पोल से ही नीचे आएंगे क्योंकि वहाँ भी जो सीढ़ी है वो नीचे रखी हुई है वो देखो ध्यान से देखो दिख रही होगी आपको नीचे गिरी हुई घास के बीच में चल भाई क्या कर रहे हो भाई आप ऐसा कोशिश करते हैं रस्सी में कहाँ रख रहे हो आप पैर रस्सी ज़्यादा भरोसा भाई डंडी पे ही रख भाई भाई मुझे भरोसा नहीं है डंडी पे हाँ तो एक साइड को रख बीच में मत रखियो वाह बीच में रखेगा तो बीच में बनेगा ना प्रेशर यार बात तो वैसे सही करता है तू कभी भाई ये तो ज्यादा ही इधर उधर हो रहा है भाई भाई दिखने में आसान लग रहा है बट है नहीं यार ठीक है भाई वन फोर्थ पार हो चुका है गाइस बस थोड़ा सा और रह रहा है इतना सा डंडी के अंदर पानी है गया टूट ही रही है धीरे धीरे कूद मार दे भाई कूद जा भाई बैठी हो मत उसमें रस्सी पकड़ने डंडा क्यों पकड़ रहा है कूद जा भाई कुछ नहीं होगा चोट लगेगी थोड़ी बहुत कोई नहीं बढ़ती तो होगी आज यार जल्दी क्या कर रहा है तू दो तीन और तोड़ेगा क्या बस भाई बस रहने दे भाई तू कूद मार भाई बारिश है ना घिस गई होगी रस्सी भाई तो थोड़ी देर ऊपर रहता ना तो पूरा नीचे आ जाता हो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:30 अभी हम डांस करेंगे यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा दिया गया है गाने वाने बज रहे हैं अभी स्नैक्स मंगा रखे हैं वो खाएंगे उसके बाद रात में डिनर करेंगे उसके बाद आपसे मिलेंगे सीधे रात में भी डांस होगा तो हम दिखा देंगे थोड़ा थोड़ा जो भी होता है बाकी करो एंजॉय आप
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।